फिर जिन लोगों ने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा लिया है या जो आगे ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि ऑपरेशन कराने के कितने दिन के बाद हम बाइक या फिर साइकिल चला सकते हैं। तो इसको आइए जान लेते हैं कि अगर आप बाइक और साइकिल चलाते हैं तो किस तरीके से आपको अपनी केयर करनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया है या आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं इसको कराने की, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आप इसका ऑपरेशन कराएंगे तो उसके बाद कम से कम एक महीना आपको इसको ठीक होने के लिए प्रॉपर देना है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप साइकिल या फिर बाइक की सीट पर बैठते हैं तो आपका जो स्क्रॉटम है वो आगे सीट पर या फिर आपके फ्यूल टैंक से इतना टच ना हो कि जब आप गाड़ी चलाएं उसमें झटके लगें, या फिर रोड ठीक ठाक ना हो तो उसमें जो टाके लगे हैं उनमें फिर से सूजन आ जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए। साथ ही साथ आइए इसको देख भी लेते हैं। जब आप बाइक पे बैठते हैं तो आपका ये हिस्सा गाड़ी के इस पोर्शन से टच होता है और इससे भी टच हो सकता है जो फ्यूल टैंक है, जिससे इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए परफेक्ट अंडरगारमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइक पर बैठेंगे या साइकिल पर बैठेंगे तो एक परफेक्ट अंडरगारमेंट पहनकर बैठेंगे, यानी जो अंडरवेयर है वो परफेक्ट पहनेंगे जिससे कि स्क्रॉटम आगे की तरफ और प्रॉपर एक जगह पर रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि सीट के नीचे जब हम सीट पर बैठते हैं तो उसमें हमारी जांघों या हमारे वेट से हमारे स्क्रॉटम दबेंगे नहीं और जहाँ पर टांके लगे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप साइकिल पर बैठ रहे हैं चाहे आप बाइक पर बैठ रहे हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो, बल्कि 2-3 वीडियो मैंने इस पर ऑलरेडी बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो अंडरवेयर का जो ऑप्शन है उसमें जाकर कि आपके लिए परफेक्ट अंडरवेयर कौन सा है और किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे ही आपको इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा और एक प्रॉपर सपोर्ट भी उससे आपको मिलेगी, जिससे कि आप चाहे बाइक चलाएँ चाहे आप साइकिल चलाएँ या फिर आप ट्रैवल करें तो उसमें स्क्रॉटम यानी जो थैली जिसमें टांके लगे हैं उस वो आपकी जांघों के बीच में या फिर आप ही के वेट से वो दब ना जाए तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए जिससे कि आपको सीखने को मिले। इसमें एक महीने का समय आपको देना ही देना है जिससे कि जो टाके हैं वो अंदर से भी अच्छे से हील हो जाए और उनमें सूजन ना रहे, और अगर आप साइकिल या बाइक चलाते हैं थोड़ा बहुत अगर दबाव लग भी जाए तो उसमें दोबारा सूजन ना आए। ध्यान रखिए कि इसमें अंडरगारमेंट का बहुत अच्छा रोल है, जो एक परफेक्ट अंडरगारमेंट होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि एक महीने का समय प्लस परफेक्ट अंडरगारमेंट। इसके अलावा दूसरे और ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक महीने के बाद आप सारे काम नॉर्मल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।